तो बस इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो कम हो चुका है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा नेचुरली वो भी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बस हम अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बूस्ट करें ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेंस बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अचानक से कम हो जाए या किसी भी तरीके से कम हो जाए तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। बियर्ड ग्रोथ ना होना, हेयर ग्रोथ ना होना, आपके जो वेट गेन मीन्स आप मोटे हो मोटे ही रहना एंड आपकी जो मसल ग्रोथ का नहीं होना, ये सब इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। मेल्स लोग में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल 25 से 30 की उम्र तक बढ़ते रहता है एंड उसके बाद 45 टू 50 की उम्र में ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये इसलिए होता है कि आपकी जो खान पान होता है यानी कि आपकी जो डाइट का जो खाना पीना है वो कैसा है वो डिपेंड करता है। अगर आप खाने में अच्छे फूड नहीं ले रहे हो क्योंकि इस वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ है तो इसे सुधारो। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो इसके वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ जाएंगे, जैसे कि आपका हेयर फॉल, आपका वेट गेन नहीं हो रहा, आपका मसल नहीं गेन हो रहा। तो बाहर के खाना थोड़ा बंद करो यार। पहला नंबर पर आता है सनलाइट। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली आपको विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको विटामिन डी की गोली बहुत ही ज़्यादा सजेस्ट करता है। तो इससे अच्छा क्यों ना आप नेचुरली विटामिन डी ले लो। तो आपको क्या करना होगा, सुबह या शाम आपको 15 से 20 मिनट तक आपको के रेस में आपको खड़ा रहना पड़ेगा एंड वो भी बता दे रहा हूँ उससे कैसे रहना। आपको क्या करना, आपने अपने पैर को खाली पाव रखना होगा एंड आप किसी भी फील्ड या किसी मिट्टी वाले जगह में जाके खड़ा हो जाए, मीन्स नेचुरल यानी कि कोई भी फील्ड हो गया या अपने छत के ऊपर भी जा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर अपने पैर को खाली रख के स्नीकर्स या जूता या चप्पल कुछ भी बिना पहने आपको वहाँ पे खड़ा रहना है एंड सन की ओर पूरा हाथ ऐसे करके फैला के आपको सन का जो लाइट है अपने ऊपर लेना है, वो भी 15 से 20 मिनट तक, ज़्यादा तक नहीं लेना एंड पूरा हार्डली धूप में मत लेना, यानी कि 11 12 बजे आपको नहीं लेना है। सुबह का 5 से 6 बजे का या 7 से 8 बजे तक इतना ही मैक्सिमम लेना है एंड शाम को आपको 4 से लेकर 6 बजे तक अंदर आपको ले लेना 15 से 20 मिनट तक एंड इसे ज़्यादा मत लेना। अगला आता है आपको क्या करना, आपको लिव स्ट्रेस फ्री, यानी कि आपको जितना हो सके डिप्रेशन फियर या टेंशन से आपको दूर रहना होगा क्योंकि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसके वजह से आप चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो या मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, यानी कि डिप्रेशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो या जो कुछ भी चीज़ का हो, चाहे वो पढ़ाई हो या वो ऑफिस का हो या किसी भी चीज़ का आप डिप्रेशन में रहते हो। तो मैंने इसके ऊपर एक रील बनाया, आप उसे जाके एक बार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके चेक कर लेना, मैं लिंक बायो में दे दूंगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप किसी भी मानसिक दबाव में रहोगे या डिप्रेशन में रहोगे या टेंशन में रहोगे या डर में रहोगे तो उससे आपको क्या होगा, आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना वो कम होगा। इसी के वजह से आपके जो कोर्टिसोल का जो लेवल होता है वो जैसे ही बढ़ता है आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल वैसे ही घट जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना बढ़ेगा आपका कोर्टिसोल लेवल उतना कम होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जितना हो सके उतना टेंशन नहीं लेना एंड जितना हो सके किसी भी चीज़ का डिप्रेशन में मत रहना, चाहे वो कुछ भी चीज़ का डिप्रेशन हो। बोल रहा हूँ आप विटामिन डी लेना, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट बताया था, विटामिन डी जितना लोगे आपका कोर्टिसोल लेवल उतना कम होगा एंड आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो आपको क्या करना है, विटामिन डी जितना हो सके उतना लेना एंड सो बस जितना हो सके उतना बिंदास रहो, खुले माइंड का रहो एंड चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना, सुबह सुबह आपको मेडिटेशन करना होगा जिसके वजह से आपका माइंड पूरा अच्छा से फ्री हो जाएगा एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे एंड जितना हो सके आप उतना नेचर को एन्जॉय करें। बहुत सारे बंदे हैं जो अपने बॉडी को जल्दी से बनाने के लिए यानी कि जल्दी बिल्डअप करने के लिए वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड इंजेक्शन लेने लगते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है वो अपने बाहर से इंजेक्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को एंड उनके जो अंदर जो प्रोड्यूस होता है पहले वाला टेस्टोस्टेरोन लेवल वो कम हो जाता है क्योंकि वो तो बाहर से सारा टेस्टोस्टेरोन ले ही ले रहा है एंड अंदर से बनना बंद हो जा रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको इसे बंद करना होगा एंड इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एंड इसे पूरा ध्यान से पढ़ना एंड इससे क्या होता है ना, आपका हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांस होता है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका हार्मोनल चेंजेस होने लग जाता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब है। अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना है तो नेचुरली करो, जिसके लिए मैं कुछ रेमेडी आपको बता रहा हूँ उसे ट्राई करो। तो बस ये शिलाजीत एंड ये अश्वगंधा ये दोनों ही बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड इफेक्टिव, से कुछ आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में। सो इसे अपने डाइट में सप्लीमेंट के तौर पर आपको यूज़ करना है एंड इसे मैं बता दे रहा हूँ आपको यूज़ कैसे करना है। तो कुछ अब मैं बता दे रहा हूँ आपको शिलाजीत और अश्वगंधा को कैसे अपने डाइट में आपको कैसे इंटेक करना है। आप क्या करना होगा, रात को सोने से पहले आपको गर्म दूध में शिलाजीत या अश्वगंधा आपको थोड़ा सा डाल के पी लेना है, जिसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है नेचुरली बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो बस आपको
गर्मियों के मौसम में अश्वगंधा यूज़ करना पड़ेगा एंड ठंडे के मौसम में आपको शिलाजीत यूज़ करना पड़ेगा। बात है हमारा वर्कआउट, आपको क्या करना होगा, आपको दिन में एक से दो बार आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। एक ही करो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या करना होगा, वेट ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा करना होगा। वेट ट्रेनिंग करने से आपको क्या होगा, आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ही जल्दी अप कर जाएगा, यानी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बूस्ट कर जाएगा। डे रूटीन में आप वर्कआउट का ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा एंड उसे हर दिन आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करना है तो। फिफ्थ नंबर पे आता है वो है आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। प्रॉपर स्लीप लेने से क्या होगा, आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बहुत ही ज़्यादा अप कर जाएगा एंड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो स्लीपिंग भी आपको कैसे लेनी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना। ये नहीं कि रात का एक बजे सोए तो सुबह का 11 बजे उठे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको 10 से लेकर रात का सुबह का 4 या 5 बजे तक सो के उठ जाना है। उससे वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है सो के उठने का एंड वो प्रॉपर स्लीप आता है। एंड आप जब भी सो रहे हो ना तो देखना, अगर आपको अच्छे से मीठी नींद वाली सपना है तो वो आपका प्रॉपर स्लीप होगा। अगर आपको नहीं आता है एंड आपको सब कुछ आजू बाजू का पता चल जाता है तो वो प्रॉपर स्लीप नहीं है, तो उसे सुधारो, जितना हो सके डिप्रेशन से दूर रहो, टेंशन उतना ही कम लो। इस वीडियो में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है आपको फूड, कौन कौन सी फूड आपको बहुत ही ज़्यादा खाना पड़ेगा एंड कौन कौन सा विटामिन आपको बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। आपकी जो डे रूटीन है जिसमें आप डाइट करते हो, यानी कि आप क्या खाते हो, उसमें आपके जिंक, विटामिन डी एंड हेल्दी फैट वाला फूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है होना। तो ध्यान रखना, मैं जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ उसे अपने रेगुलर बेसिस पे खाना, ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन उसे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप ये सारे फूड को आपको कंज्यूम करना होगा। दूध है, सारे फूड आपको बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करने पड़ेंगे एंड आपकी डाइट में बहुत ही ज़्यादा ईजिली है, अफोर्डेबल भी है, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर मेंटेन करना। अब मैं बता दूं आपको कि आपको कौन कौन सी फूड आपको नहीं खाना है एंड इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप चिकन एंड एग अपने डाइट में आप फॉलो कर सकते हो, उसे खा सकते हो, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाएगा। एंड अगर आप क्या क्या चीज़ आपको नहीं खाना है वो है आपको चीनी। आपको ये कहना होगा अपने डाइट में चीनी से जितना हो सके उतना दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि चीनी से होता क्या, जितना बार आप चीनी लोगे उतना बार आपका इंसुलिन स्पाइक होगा एंड आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। तो जितना हो सके चीनी को कम खाओ, कम अपने डाइट में रखो। आपको जीएमओ फूड से बहुत ही ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जीएमओ फूड आपको क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए इंजेक्ट करते हैं उस चीज़ को एंड वो मोस्टली होता है सोया, सोयाबीन एंड कॉर्न, इन सारी चीज़ों से आप ज़्यादा दूर रहना है। चीज़ है वो जीएमओ फूड है, तो इस सबसे आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है, यानी कि अच्छे से खाना है एंड जो मैंने चीज़ अपने चैट में बताया था, यानी कि अपने जो वीडियो में बताया हूँ, उससे आपको जितना हो सके उतना आपको ट्राई करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार दो एंड उतना हो सके शेयर भी मार दो।